गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया या टीचर। सो गाइस मैं आपको आज बताऊंगा कि आखिर आप पावर डायरेक्टर ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप पावर डायरेक्टर ऐप का यूज़ करके अपनी वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रो वर्जन में, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी यूट्यूब की वीडियोस या फिर कोई और वीडियोस को कैसे एडिट कर सकते हैं पावर डायरेक्टर ऐप का यूज़ करके। सो गाइस मैं बेसिकली आपको बता दूं कि पावर डायरेक्टर में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो कि आपको बाकी ऐप्स जैसे कि काइन मास्टर या फिर इनशॉट में नहीं मिलता। सो गाइस ये वीडियो पावर डायरेक्टर ऐप का पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके सारे फीचर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सो गाइस सबसे पहले आप पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन कर लें अपने स्मार्टफोन में। तो गाइस आप जैसे पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद गाइस आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट, तो गाइस सबसे पहले आप न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो गाइस आपको यहां पर स्टार्टिंग में दिख रहा है प्रोजेक्ट नेम, तो गाइस आप चाहें तो यहां पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट का नेम रख सकते हैं इसमें। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है सेलेक्ट द वीडियो एक्सेप्ट रेशियो, यानी कि गाइस इसमें आपको अपनी वीडियो का साइज़ सेलेक्ट करना है कि आप किस साइज़ की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं इसमें। तो गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा 16:9, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि 16:9 जो साइज़ होता है वो बेसिकली यूट्यूब का साइज़ होता है, और गाइस 9:16 जो आपको सेकंड दिख रहा है वो टिकटॉक का साइज़ होता है, यानी कि वो फुल फ्रेम वीडियो का होता है। और गाइस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो थर्ड में 1:1 वो गाइस इंस्टाग्राम वीडियोज़ की साइज़ होती है। तो गाइस अगर आप यूट्यूब के वीडियो बना रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला 16:9 सेलेक्ट कर ले और उस पर क्लिक कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 16:9 फर्स्ट वाला। सो गाइस इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी वीडियो क्लिप या फिर फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपके गैलरी में जो भी वीडियो क्लिप या फिर फोटो होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ फर्स्ट में स्टार्टिंग में दिख रहा होगा वीडियोस के में नीचे स्टॉक वीडियो, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि स्टॉक वीडियो में क्लिक करते ही आप यहाँ पर बहुत सारा फ्री शॉर्ट वीडियो क्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप अपने वीडियो में यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट, यानी कि गाइस यहाँ पर आपको फ्री में शॉर्ट क्लिप्स मिलती है अलग अलग वेबसाइट का यूज़ करके, जो कि बिल्कुल फ्री होती है जिनका आप अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप चाहें तो इसका यूज़ कर भी सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने गैलरी से, ये वाला गाइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो गाइस आप सबसे पहले प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक कर दें। तो गाइस आप जैसे ही प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपने वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है, यानी कि आपको जो यहाँ पर एक नीली टाइप की लाइन दिख रही है उस पर आपको क्लिक कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको एडिटिंग वाले सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा डिलीट के नीचे पेंसिल टाइप का, तो आप पेंसिल टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सो गाइस आप जैसे ही पेंसिल टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वैसे आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है स्प्लिट वॉल्यूम ऑडियो मिक्सिंग वॉइस चेंजर फिल्टर एडजस्टमेंट स्पीड इफेक्ट स्टेबलाइजर स्किन स्मूदर फिट एंड फिल पैन जूम क्रॉप रोटेट फ्लिप डुप्लीकेट रिवर्स। गाइस आपको यहाँ पर इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जिनका मैं आपको डिटेल में स्टाइम बताता हूँ। तो गाइस इसमें ही आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेकेंड में म्यूजिक वाला ऑप्शन, तो गाइस आप इसका यूज़ करके अपने वीडियो क्लिप्स में अलग अलग टाइप का म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो गाइस यहाँ पर आपको थर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, तो गाइस यहाँ पर आप अलग अलग तरह का अपनी वीडियोस में टाइटल लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा गाइस अगर आपको वीडियो एडिटिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो आप फोर्थ वाले अंडू वाले ऑप्शन में क्लिक करके उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो एडिटिंग का। तो गाइस आपको यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा अनेबल में ऑडियो मिक्सिंग, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऑडियो मिक्सिंग वाला ऑप्शन को यूज़ करके आप अपनी वीडियो का जो ऑडियो होगा ओरिजिनल उसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपका जो ओरिजिनल म्यूजिक होगा या फिर आपने जो वॉइस ओवर इस वीडियो में किया होगा उसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर, तो गाइस फिल्टर में आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं फिल्टर जिनका यूज़ करके आप अपनी वीडियो को अलग अलग टाइप के फिल्टर में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का फिल्टर डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट वाले फीचर का। तो गाइस एडजस्टमेंट वाले फीचर में आपको स्टार्टिंग में मिलता है ब्राइटनेस, तो गाइस आप ब्राइटनेस वाले ऑप्शन का यूज़ करके अपने वीडियोज़ का ब्राइटनेस कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट, तो गाइस कॉन्ट्रास्ट का काम भी कुछ इस तरह का ही होता है। थर्ड ऑप्शन बात कर लेते हैं सैचुरेशन,
तो गाइस सैचुरेशन वाला इतना कुछ यूजफुल नहीं होता, बस इसमें इसका बस यूज ये होता है कि आपकी वीडियो की जो ओरिजिनल कलर होता है उसको आप ज्यादा लाइट कर सकते हैं या फिर डार्क कर सकते हैं इसका यूज करके। इसके बाद गाइस बात आते हैं यू की। तो गाइस मैं आपको यू के बारे में फीचर के में बता दूं कि इसका यूज करके आप अपने वीडियो का कलर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल एंड जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के, तो गाइस टेम्परेचर का फीचर भी कुछ यू के टाइप का ही है। और गाइस टेंट में भी कुछ इस टाइप का फीचर ही आपको मिलेगा और शार्पनेस में आपका वीडियो में थोड़ा और लाइट आ जाएगी और आपकी वीडियो थोड़ी और मतलब कि 4K टाइप का लिखेगा, थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का। तो गाइस हम थोड़ा बैक हो जाते हैं इसमें। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर स्पीड। तो गाइस स्पीड वाला ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख रहा है यू इज ऑन इज आउट। तो गाइस आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा है 1x। तो गाइस इसका यूज करके आप अपनी वीडियो की जो ओरिजिनल स्पीड होगी उसको आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बेसिकली बता दूं कि जो 1 होता है वो नॉर्मल साइज होता है किसी भी वीडियो का। अगर आप 1 से ज़्यादा करते हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ती है और अगर कम करते हैं तो वीडियो की स्पीड घटती है। तो गाइस इसमें आपको दिख रहा होगा ईज इन। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ईज इन वाला ऑप्शन पे यूज़ करके आप अपनी वीडियो का जो स्टार्टिंग होगा उसको थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं और बाद में थोड़ा स्लो हो जाएगा। और ईज आउट में आपका जो बाद वाला फीचर मतलब बाद वाला पोर्शन होगा वीडियो का वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा अगर आपने कम किया तब और या फिर ज़्यादा किया तब। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट। तो गाइस इफेक्ट में भी आपको बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट मिलते हैं जिनका आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर अंडो कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेबलाइजर वाले फीचर के बारे में। तो गाइस स्टेबलाइजर वाले फीचर का यूज़ करके आप अपनी वीडियो का जो ओरिजिनल साइज होगा उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर इस टाइम कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं स्किन स्मूदर। तो गाइस अगर आपका फेस कैम वीडियो है यानी कि इसमें जिसमें आपने अपना फेस शो किया है उसका आप इस फीचर में यूज़ कर सकते हैं स्किन स्मूदर। वैसे तो नॉर्मली आप इसका यूज़ ना ही करें अगर आप इस टाइप की वीडियो बनाते हैं तब। इसके बाद गाइस यहाँ पर ऑप्शन आता है फिट एंड फिल। तो गाइस फिट एंड फिल वाला ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को टच करके साइज थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या फिर जूम कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको कलर वाले ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस आप कलर वाले ऑप्शन का यूज करके अपने बैकग्राउंड का जो भी कलर होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अलग टाइप का कलर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड में। तो गाइस हम वापस इसको अनलॉक कर देते हैं और वापस से बैक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर पैन एंड जूम। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर पैन एंड जूम वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कस्टम मोशन। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ अप्लाई टू ऑल। तो गाइस आप जैसे ये वाला ऑप्शन को अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका जो वीडियो की स्टार्टिंग होगी या फिर एंडिंग होगी वो आपको थोड़ा जूम टाइप का दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको अपना वीडियो प्ले करके इस टाइम दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं क्रॉप वाले ऑप्शन के बारे में। तो गाइस मैं आपको बेसिकली बता दूं कि क्रॉप वाला ऑप्शन का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं या फिर साइज में छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं, जैसे गाइस आपके यहाँ पर अलग टाइप का फीचर्स दिख रहा होगा क्रॉप करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रोटेट वाले ऑप्शन के बारे में। तो गाइस मैं बेसिकली बता दूं कि आप रोटेट वाला ऑप्शन का यूज करके अपनी वीडियो क्लिप का साइज को रोटेट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भी ओरिजिनल साइज होगी वो आपकी रोटेट हो जाएगी अलग डायरेक्शन में। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है फ्लिप। तो गाइस फ्लिप का ऑप्शन का वर्क भी कुछ आपको इस टाइप का ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो वीडियो क्लिप होगा वो दो वीडियो क्लिप में बन जाएगा, यानी कि अगर आपका एक वीडियो क्लिप है तो वो कॉपी होकर दो वीडियो क्लिप बन जाएगा डुप्लीकेट वाला ऑप्शन का यूज करके। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं रिवर्स वाला ऑप्शन के बारे में। तो गाइस आप रिवर्स वाला ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे आपका जो ओरिजिनल वीडियो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो पीछे वाला पार्ट होगा वीडियो का वो आगे आ जाएगा और जो आगे वाला पार्ट होगा वीडियो का वो आपका लास्ट में पहुंच जाएगा इस वाला ऑप्शन का यूज करके रिवर्स वाला। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर आप अपने वीडियो में कोई और लेयर को कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि गाइस अगर आप अपने इस वीडियो में कोई और लेयर यानी कि कोई और इमेज को ऐड करना चाहते हैं यानी कि उसके ऊपर शो करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर थर्ड में ऑप्शन दिख रहा है लेयर टाइप का, तो आप लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक कर दे जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लेयर वाले में। तो गाइस मैं बेसिकली आपको बता दूं कि आप अपने वीडियो क्लिप में सिर्फ इमेज को ही ऐड कर सकते हैं लेयर के तौर पर, आप कोई और वीडियो क्लिप को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते पावर डॉक्टर ऐप में। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ये वाला,
देन आप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते प्लस वाले। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अपना यहाँ पर ये वाला वीडियो क्लिप जो मतलब कि ये था लेयर, वो मैंने यहाँ पर अपना ऐड किया है। तो आप चाहे इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग टाइप का। सो गाइस इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई और वीडियो क्लिप को ऐड करना है, यानी कि जैसे कि आपका ये वाला वीडियो क्लिप कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप इसके आगे कोई और वीडियो लेयर सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है सेकंड में ऑप्शन, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें जो कि आपको होम के नीचे दिख रहा होगा। सो गाइस आप जैसे ही करते क्लिक, तो आप यहाँ पर अलग अलग वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं और इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप इनको आगे अपने वीडियो के यूज़ करना चाहते हैं। तो गाइस आपका जैसे ही वीडियो क्लिप कंप्लीट हो जाए एडिटिंग, यानी कि गाइस आपका जैसे ही वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स के ऊपर, तो आप ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो गाइस आप जैसे ही वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सेव टू गैलरी और एसडी कार्ड शेयर ऑन फेसबुक। तो अगर आपको भी अपने गैलरी में सेव करना है, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। सो गाइस इसके बाद आप यहाँ पर अपने वीडियो का मतलब कि वीडियो रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर ले, यानी कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी वीडियो चाहिए तो आप 180 पर ही रखें, उसके बाद आप प्रोड्यूस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर गाइस आप वीडियो की क्वालिटी कम करना चाहते हैं, तो आप 360 या फिर 720 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं गाइस मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप 180 पर ही अपनी वीडियो को सेव करें। तो गाइस आप जैसे इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप प्रोड्यूस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा वेट कर लेना है, थोड़ी देर बाद ही आपका जो ये वीडियो होगा आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस आप भी इसी तरह पावर एडिटर ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो एडिटिंग में। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस हैव अ गुड डे।